हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी अपडेट धीरे करके सारे स्टेट्स की बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट है उत्तराखंड स्टेट की। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट के हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो सेकंड राउंड है उसका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज कर दिया है। अलॉटमेंट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, उत्तराखंड ने कंप्लीट डिटेल रिलीज की है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि बच्चे की नीट की आईआर कितनी थी, किन किन बच्चों ने उनको कौन कौन सा अलॉटमेंट हुआ और कौन कौन सी चॉइस ऑप्टेड चॉइस थी और उसमें से क्या अलॉटमेंट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों के रोल नंबर, नीट के मार्क्स बताए हैं कि 615 बच्चे के मार्क्स थे नीट की एआईआर पे बता रखी है। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि आपके पीसीबी में कितने परसेंटेज थे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, आपने क्या प्रेफरेंस भरी और आपको फाइनली राउंड टू में आपको क्या अलॉट हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको राउंड टू का जो अलॉटमेंट है वो दिखाया गया है। तो ये कंप्लीट हर बच्चे का डिटेल दिखाया गया है। तो जो भी उत्तराखंड के स्टेट के बंदे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको चाहिए, आपको देखना है कि आपके स्टेट में क्या अलॉटमेंट रहा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगली अपडेट दोस्तों आपके लिए गुजरात स्टेट की है। जो भी बच्चे गुजरात स्टेट्स के हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि गुजरात का स्टेट कोटा राउंड टू का रिजल्ट आ चुका है। उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। दिस इज़ द सेकंड राउंड अलॉटमेंट फॉर गुजरात स्टेट गाइज। और टोटल कितने बच्चों का अलॉटमेंट हुआ, पूरे 153 पेजेस में इसको बताया गया कि कितने बच्चे यहाँ पे अलॉट हुए। तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो अगर हम पूरा मेरिट लिस्ट देखें तो 7204 बच्चों का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे है। तो 7204 बच्चों का अलॉटमेंट है, उसमें जो लास्ट अलॉटमेंट इन्होंने दिखाया एसटी कैटेगरी में दिखाया गया है। बच्चे की रैंक भी बताई गई है और उसके साथ साथ दोस्तों उसका एआईक्यू रैंक और उसके अलॉटेड कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। तो ये कम्प्लीट लिस्ट है गुजरात स्टेट के लिए। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट के उस कम्प्लीट लिस्ट को देख सकते हैं। अगली अपडेट भी दोस्तों गुजरात के लिए है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गुजरात स्टेट ने मॉपअप राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट से हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ कि गुजरात स्टेट का मॉपअप राउंड जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी दोस्तों इस बार मॉपअप राउंड में, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और गुजरात स्टेट के जो बच्चे हैं उनको इन जो लास्ट के नीचे 11 कॉलेजेस दिखाए गए हैं, इन 11 कॉलेज में जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। तो जो बच्चे गुजरात स्टेट में मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन कॉलेज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर है कंप्लीट इस डॉक्यूमेंट में दिया है, आपको कहाँ रजिस्टर करना है, ये वेबसाइट है, इस पर रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेना है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट वेबसाइट है। ऑनलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे एक वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कंसेंट फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप मॉपअप राउंड के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जो आपको मैंने 11 कॉलेज ऊपर दिखाए हैं उनमें जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट है गुजरात स्टेट के लिए। उसमें कैसे आपको फिलअप करना है, क्या कंप्लीट डिटेल है, क्या आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें का आप इस डॉक्यूमेंट में दी गई है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो अगली अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जो MTMC नाम जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, उसकी अपडेट है। तो उसने क्या किया है, अपनी जो फीस है वो आपके सामने स्क्रीन पर बताई है कि उनकी जो MBBS की फीस है, EWS SC और ST कैटेगरी की क्या फीस है और अनरिजर्व की क्या फीस है, वो यहाँ पे बताई है। तो जो भी बच्चे मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ पे अपना फीस स्ट्रक्चर चेंज कर लें कि व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, उसके बाद हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, यूटिलिटी फीस, मैथ्स फीस क्या क्या है, वो यहाँ दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि जो SC ST BCA और BC2 के लिए जो बच्चे हैं MBBS में, 4.5 का ड्यूरेशन है, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस 7,15,000 रुपये होगी। तो ये है डिटेल दोस्तों मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की फीस। अगली अपडेट है दोस्तों झारखंड स्टेट के लिए। तो झारखंड स्टेट्स के लिए क्या है कि स्टेट कोटा राउंड टू का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल आ चुका है दोस्तों। तो आप अगर झारखंड स्टेट से हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस इज़ योर शेड्यूल फॉर झारखंड स्टेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो 12 से 14 होगा। 15 तारीख को आपका प्रोविजनल स्टेट मैट्रिक्स जो राउंड टू का है वो पब्लिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपकी 18/12/2020 को होगी। लास्ट डेट आपको 19 तारीख होगी। और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपको 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में दे दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे झारखंड स्टेट से हैं उनका इस स्टेट कोटा राउंड टू का नोटिफिकेशन है। इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट में और क्या क्या कंडीशन है, आपकी कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, कितनी काउंसलिंग फ़ीस है, ये आपको मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है वो है दोस्तों
पंजाब के लिए तो पंजाब ने जो अपना स्टेट कोटा में है जो वैकेंट सीट AIQ से रिवर्ट होकर सीट्स आई है वहाँ पे रिलीज़ कर दी है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में 14 सीटें AIQ से रिटर्न होकर आई हैं। ये सीटें स्टेट कोटा राउंड टू में फिलअप की जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला में 11 सीटें रिवर्ट होकर आई है। उसी प्रकार टोटल गुरु गोविंद कॉलेज में 8 सीटें, टोटल 33 सीटें स्टेट कोटा राउंड टू में ऐड होंगी। तो स्टेट कोटा राउंड टू में 33 बच्चों को और MBBS मिलेगा। और नीचे है दोस्तों डेंटल कॉलेज का अलॉटमेंट, 14 सीटें हैं जो AIQ के राउंड से रिवर्ट हो गया है, ये स्टेट कोटा में ऐड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों है महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट में सेकंड सेलेक्शन ऑफ स्टेट कोटा सीट फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में उन्होंने अपनी डेट्स बताई हैं, आपके सामने डेट्स हैं दोस्तों। ये महाराष्ट्र का स्टेट का जो सेकंड राउंड है उसका डेट्स आपके सामने है। डिक्लेरेशन ऑफ द सीट मैट्रिक्स आपका 13 तारीख को होगा, डिक्लेरेशन ऑफ सेलेक्शन लिस्ट 13 तारीख को होगा, और उसके बाद लास्ट डेट आपकी ज्वाइनिंग की 18 तारीख रहेगी। ये अपडेट है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट्स के लिए। ये डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलता है एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बोलता है बस फिर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।